सामाजिक संस्था इनर व्हील क्लब 10 जनवरी को अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है। इसी उपलक्ष पर राजधानी दिल्ली के द्वारिका में 10 जनवरी से 12 जनवरी तक 3 दिवसीय यूफोरिया इवेंट आयोजित होने जा रहा है, जिसमें देश भर के इनर व्हील क्लब भाग लेंगे। इसी के तहत हिमाचल की राजधानी शिमला से इनर व्हील क्लब के सदस्यों की 13 गाड़ियां राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुई और इन गाड़ियों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा की खास बात यह है कि इसमें सभी महिला चालक स्वयं गाड़ियां चलाकर दिल्ली जाएंगी। शिमला में मुख्यमंत्री आवास पर क्लब के सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 51,000 रुपए की राहत राशि भी प्रदान की। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इनर व्हील क्लब के 100 साल पूरे होने पर क्लब की महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वही समाज उन्नति करता है जहां महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती है, और इनर व्हील क्लब ऐसी गैर राजनीतिक संस्था है जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है और समाज के गरीब तबकों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। आज इनर व्हील क्लब का 100 साल पूरे हुए हैं। इनर व्हील एक गैर राजनीतिक संस्था है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इस शुभ अवसर पर इनर व्हील क्लब की जो अध्यक्षा सीमा कपूर जी और ये सब लोग आए थे, और आज वो सब गाड़ी लेकर दिल्ली जा रहे हैं। इस अवसर पर हमने उन्हें फ्लैग ऑफ किया। इनर व्हील क्लब के सभी सदस्यों को हमने बहुत बहुत शुभकामनाएँ दी, और निश्चित तौर पर महिलाएँ वही समाज उन्नति करता जहाँ महिलाएँ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती है। इस शुभ अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इनर व्हील क्लब डिस्ट्रिक्ट 308 की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सीमा कपूर ने जानकारी देते हुए बताया कि इनर व्हील 103 देशों में कार्यरत है और भारत के 27 जिलों में काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठन है, जिसके प्रत्येक जिले में कई क्लब है, जिसके 100 साल पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए शिमला से महिलाओं की रैली को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रवाना किया है। इनर व्हील जो है 103 देशों में फैला हुआ है, और हमारे जो हैं जो इंडिया में हैं वो 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट 308 एक डिस्ट्रिक्ट है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट 30 हमारे इंडिया में जो है 50,000 से ज़्यादा महिलाएं जो हैं इसकी मेंबर्स हैं, और आज हम जो है ये रैली जो है यहाँ से ले जा रहे हैं। 100 साल हमारे पूरे हुए हैं, कल 10 जनवरी 2024 को हमारे 100 साल ऑर्गेनाइजेशन को हो जाएंगे, तो इस उपलक्ष्य में हम आज यहाँ से दिल्ली अपनी रैली लेके जा रहे हैं। और हमारी जो कार्स हैं वो फीमेल्स ही चलाएंगी, ये हम एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक आपको साइन देना चाहते हैं कि वैसे तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे आप पायलट देख लो, चाहे आप नेवी में देख लो, चाहे आर्मी में देख लो, बट हम थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि अब हम खुद भी गाड़ियां चला के हिंदुस्तान के कहीं किसी भी कोने पे पहुंच जाते हैं। यहाँ से अभी हमारी 13 कारें हैं, और हमें जो दिल्ली तक जगह जगह जो है कारें वेलकम करेंगी, जो हमारे क्लब्स हैं उनके मेंबर्स कार्स लेके वेलकम करेंगे, और वो हमारे साथ आगे तक जाएंगे, और वो वहाँ तक छोड़ के फिर अगले क्लब के मेंबर्स हमें ऐसे ही दिल्ली तक मिलते जाएंगे। हाँ जी, दिल्ली में हमारा यूफोरिया इवेंट हो रहा है, जो 100 साल हम मना रहे हैं वो हमारे 10, 11, 12 को हमारा दिल्ली द्वारका में इवेंट है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज हम CM साहब के रेजिडेंस के बाहर खड़े हैं, क्योंकि उनके कलमों द्वारा हमारा जो ये फ्लैग ऑफ होने जा रही है रैली। तो मैं आपसे सिर्फ एक नारा देना चाहती हूँ, 3 cheers for women empowerment।